हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैमेलियन क्लासेस। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम पहले बात करते हैं डिमांड की, कि डिमांड क्या होती है। डिमांड बेसिकली तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपकी डिज़ायर, परचेजिंग पावर और आपकी विलिंगनेस। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक आईफोन लेना है, आईफोन के लिए मेरे पास डिज़ायर है, परचेजिंग पावर भी है, पर मेरी विलिंगनेस नहीं है क्योंकि मैं अपने सारे पैसे एक आईफोन पर वेस्ट नहीं करना चाहती। तो डिमांड के लिए इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब किसी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपकी डिमांड में चेंज हुआ, पर डिमांड में कितना चेंज हुआ, कितनी डिमांड बढ़ी, कितनी डिमांड कम हुई, ये हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कॉफ़ी का। कॉफ़ी का प्राइस घटकर 150 रुपये से 100 रुपये हो जाता है तो आपकी डिमांड भी बढ़कर 50 यूनिट से 80 यूनिट हो जाती है, क्योंकि डिमांड जो है वो प्राइस पर डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके तीन टाइप होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट पॉइंट आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस के घटने या बढ़ने से आपकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपकी डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। हम इसे इस फॉर्मूले से शो करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेकंड पॉइंट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के कम होने या बढ़ने से आपकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसको हम इस फॉर्मूले से शो करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। थर्ड पॉइंट आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गुड्स ए के प्राइस का इफेक्ट गुड्स वाई की डिमांड पर पड़ना। अगर गुड्स ए का प्राइस ज़्यादा होगा तो गुड्स वाई के लिए आपकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल थम्सअप और पेप्सी, अगर थम्सअप का प्राइस बढ़ जाता है तो पेप्सी के लिए आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ है मैगी और हिप्पी, मैगी का प्राइस बढ़ जाएगा तो हिप्पी के लिए आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स बी। डिग्रीज, अब डिमांड में चेंज तो हुआ है बट कितना चेंज हुआ है वो हम डिग्री के थ्रू जानते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें प्राइस बढ़े ना बढ़े फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी डिमांड में चेंज होगा ही होगा। ऐसा हमारा दैनिक जरूरत की चीज़ों पर आता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, सोप, फेस वॉश, क्योंकि इनके अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं मार्केट में। अगर किसी का प्राइस बढ़ता है तो आप दूसरी चीज़ को खरीद सकते हो जिसका प्राइस कम हो। सेकंड पॉइंट है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इसमें प्राइस के घटने या बढ़ने से डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डिमांड कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल के लिए एलपीजी गैस और मेडिसिन, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहती है, चाहे प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े। थर्ड पॉइंट है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड में बराबर चेंज होना। अगर प्राइस 10% से बढ़ता है तो आपकी डिमांड 10% से ही कम हो जाती है, वो होती है हमारी यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ डिजिटल कैमरा इंक्रीज बाय 10%, तो क्वांटिटी ऑफ डिजिटल कैमरा डिक्रीज बाय 10%। मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आपकी जो है प्राइस की तुलना में डिमांड में ज़्यादा चेंज होना। अगर प्राइस में 10% का चेंज होता है तो आपकी डिमांड में 50% का चेंज होगा, वो होती है मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आता है लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आपकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो सकती है पर आपकी डिमांड जो है वो नहीं हो सकती। प्राइस सपोज अगर प्राइस 50% गिरता है तो आपकी डिमांड में जो चेंज होगा वो केवल 10% ही होगा। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल जिसको भरवाना है वो तो भरवाएगा ही, उसे डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे प्राइस ज़्यादा हो चाहे कम हो।